लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। लैंग्वेज सभी विषयों का आधार होती है। अगर लैंग्वेज सुधर जाए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। लैंग्वेज सुधरने से पर्सनालिटी में भी निखार आता है। तो आइए जानते हैं लैंग्वेज कैसे सीखी या बोली जाती है। आपने हिंदी या आपकी मातृभाषा बोलना कैसे सीखा था? हिंदी या आपकी मातृभाषा बोलना आप स्कूल जाने के पहले सीख गए थे या बाद में? अच्छा, ग्रामर आपने हिंदी बोलने से पहले सीखी थी या बाद में? लैंग्वेज बोलकर सीखी जाती है या सीखकर बोली जाती है? ओहो, लगता है आप कंफ्यूज हो गए हैं। भाषा बोलने के लिए सबसे पहले चाहिए सीखने की गहरी इच्छा। इंग्लिश में कहते हैं डीप डिजायर। जिस काम को करने की इच्छा जितनी गहरी होती है, हम उस काम को उतने ही अच्छे तरीके से करते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, आप लैंग्वेज उतने ही अच्छे से बोल पाएंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस केवल दो चीजों से आता है। पहला है एक्सपीरियंस और दूसरा है नॉलेज। की तो बात ही नहीं की। डियर फ्रेंड्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको लैंग्वेज का ज्ञान चाहिए और आप पढ़ना और लिखना भी चाहते हैं, तो आपको ग्रामर और वोकैबुलरी जरूर सीखनी चाहिए। यहां तक हम लैंग्वेज बोलना शुरू कर चुके हैं, परंतु यदि लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको प्रोनंसिएशन, एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम करना पड़ेगा। प्रोनंसिएशन का मतलब शब्दों का उच्चारण। हमें शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे तरह से करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकें। इसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है हाव भाव, हमारी फीलिंग्स। ये हमें लैंग्वेज में डालनी होंगी। फिर आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है वाक्य का उतार चढ़ाव। वाक्य के इस उतार चढ़ाव से लैंग्वेज इंप्रेसिव हो जाती है। ये तीनों चीजें लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए जरूरी हैं। अब इंग्लिश बोलने या सीखने में जो गलतियां होती हैं उनकी बात करते हैं। पहली गलती, आप ट्रांसलेट करके बोलते हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब आप वाक्य को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हिंदी एक अलग भाषा है और इंग्लिश एक अलग भाषा है। तो ट्रांसलेशन से हम बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आप किसी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले से पूछेंगे कि क्या वे ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो वे मना कर देंगे, क्योंकि ट्रांसलेट करके लैंग्वेज फ्लुएंसी से नहीं बोली जा सकती। इसलिए आप यदि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ट्रांसलेट करना बंद कर दीजिए। दूसरी गलती, आप वाक्य को पहले स्ट्रक्चर की सहायता से बनाते हैं, फिर बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इस प्रक्रिया में पहले उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में लाना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के फॉर्म, ऑब्जेक्ट और भी ना जाने क्या क्या सब कुछ ढूंढ ढूंढ कर लाना होता है। इसके बाद इन सबको सेंटेंस में जमाना पड़ता है, फिर हिम्मत जुटानी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम एक वाक्य बोल पाते हैं। और इस प्रक्रिया में टाइम लग जाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और हमारे अंदर हेजिटेशन बढ़ने लगता है और हम लैंग्वेज को बोलना बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि यह बहुत कठिन है या यह मेरे बस की बात नहीं है।
क्या आपने कभी किसी बच्चे को लैंग्वेज बोलते सुना है? उन्होंने लैंग्वेज कैसे सीखी? बहुत छोटी सी उम्र में बच्चा लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। क्या उस वक्त उन्हें ग्रामर या वोकैबुलरी आती है? जी नहीं, बच्चा लैंग्वेज सुन सुन कर बोलना सीख जाता है। वो जिस अंदाज में सुनता है बिल्कुल उसी अंदाज में उसे रिपीट कर देता है। तो यहां सेंटेंस को बनाना नहीं पड़ता, जैसा सुना जाता है बिल्कुल वैसा ही रिपीट कर दिया जाता है। तो सेंटेंस का प्रोनंसिएशन, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही कैरी हो जाती हैं जैसा कि आपने सुना था। सो जैसा आप सुने बिल्कुल वैसा का वैसा रिपीट करते जाइए, बहुत जल्द आप बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलना सीख जाएंगे। तो यहां तक आप जान गए होंगे कि आखिर लैंग्वेज कैसे सीखी या बोली जाती है। इंस्पायर की ऑनलाइन क्लासेस में आपको नेचुरल तरीके से सिखाया जाता है, जहां कुछ भी रटने जैसा नहीं है। सो अच्छे तरह से सीखिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।